हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ जो हमारे खाने पे है। तो आपको पता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इस वजह से काफी लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं, और या कि मजबूरी है कि अकेला रहना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन में इधर उधर जाने की अनुमति हमें है नहीं। तो इस वजह से जो जहाँ पे वहाँ पे फंस गया है। जैसे हम पहले तो बाहर से ढाबा वगैरह होटल वगैरह से खाना खा लेते थे, लेकिन आजकल वो सब कुछ बंद हो गया है। तो इस वजह से हमें खाना मिल नहीं पा रहा, हमें रूखा सूखा बाहर से जो कुछ मिलता था जैसे होटल से खा लिया या और कुछ खा लिया, अब तो मिल नहीं रहा। तो ब्रेड वगैरह खा के कितने दिन काम चलाएं, या हमें बाहर से जैसे खाना बनाने के लिए आते थे तो अब वो खाना बनाने वाले भी बंद हो गए हैं। तो हम अपना पेट भरना है दरअसल, सीधी बात है, क्योंकि इतना अच्छा तो हमें मिलने वाला नहीं है। अपना पेट भरना है, संतुष्टि होनी चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है। तो इसी चक्कर में मैं आज आपको सोचा कि मैंने भी अभी 1-2 महीने से अपना खाना खुद ही बना रहा हूँ। तो इस वजह से मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि अपना खाना बनाएं और मेरी तरह आप भी अपना खाना स्वयं बना के खा सकते हैं। आज मैं चपाती बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ और चावल वगैरह बना के अपना सही से गुजारा कर रहे हैं हम। जब तक लॉकडाउन सही नहीं हो जाता, बाहर कुछ ओपन नहीं होता, तब तक अपना ये करके काम चलाएंगे और सही है। तो इसी चक्कर में आज मैं आपको नमकीन चावल बनाना सिखाता हूँ। बिल्कुल इजी है, कम समय में बन जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। और दोस्तों, जो मेरी तरह आलसी हैं, देर से उठते हैं या जो ज्यादा कुछ मेहनत कर नहीं पाते, के लिए बहुत ही इजी है ये। तो आपका ज्यादा समय वैसे टाइम खराब ना करते हुए तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी किचन। ये पीछे देख रहे हो आप, ये मेरी किचन है, ये ज्यादा बड़ी है नहीं, किराए के मकान में रहते हैं यार, तो अपनी छोटी किचन है एक। तो जैसी है वैसे में काम चलाते हैं हम, इतने ज्यादा बड़े लोग होते तो अपनी अच्छी किचन होती, अपना पर्सनल घर होता। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए मिलती रहे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आपको चलता हूँ लेके क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है नमकीन चावल बनाने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे मेरे रखा है, हमें यहाँ पे सबसे ज़रूरी है चावल। वो आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी आपको भूख है उतना आप चावल ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिए वेस्टेज नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि खाना सबसे अनमोल होता है, वेस्टेज नहीं करना। चावल ले लिए हमने, और यहाँ पे एक टमाटर ले लीजिए और एक प्याज ले लीजिए, और ये हमारा मसाला है, यहाँ पे हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, नमक, मिर्च और हल्दी और लहसुन है आपके पास तो आप लहसुन भी रख सकते हैं, टमाटर, प्याज और लहसुन, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है लहसुन, तो इस वजह से मैंने लहसुन नहीं ले रखा। तो दोस्तों, मैं अभी इनको छोटा छोटा काट लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तब तक हम काटते हैं, तब तक इस चावल को आप पानी में भिगो दीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप इतना काम कीजिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज टमाटर बिल्कुल काट के रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कुकर अपना चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, इसमें तेल डाल दिया मैंने, कुछ आप देख लेना आपकी मर्जी के हिसाब से, वीडियो में लग रहा है कि जैसे ज़्यादा तेल डल गया हो तो आप अपने हिसाब से इसमें तेल डाल लीजिए, सही है मेरे हिसाब से। तो जैसे हम इसमें आप तड़का लगाएं, जैसे उससे सबसे पहले होता है कि जीरा ले लेते हैं, और जीरा और उसमें हम थोड़ा हींग डाल लेते हैं। दोस्तों, हींग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छी होती है और खाने को स्वादिष्ट बनाती है। हींग डाल लिया हमने, तो हींग की ऐसे छोटी डिबिया लेके आ जाइए आप, हींग तो इसमें आप डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हींग डालने के बाद हम देखते हैं हमारा तेल गर्म होएगा तब हम इसको तड़के को रेडी कर लेते हैं। अभी हमारा गर्म नहीं हुआ तेल, दोस्तों आप लहसुन वगैरह काटोगे तो और भी अच्छी टेस्टी आपकी डिश बनेगी। तो हम जैसे इसमें अब डाल के देखते हैं, शायद हमारा गर्म हो गया तेल, देखो जैसे ही गर्म हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम इसको ऐसे करके धीरे धीरे इसको फैला देंगे साइड में, ये हमारा हो गया। अब होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज,
इसमें प्याज डालें। आप देख रहे हो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब ये प्याज भुनना स्टार्ट हो गई है। अब ये प्याज भुनेंगे हम। प्याज का रंग जब सुनहरा हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले आपकी तरह कभी बनाता नहीं था खाना, ना मेरे को बनाना आता था, लेकिन लॉकडाउन ने मेरे को काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मैं भी बाहर का खाना खाता था, बना बनाया खाना खाता था, घर पे खाता था, तो हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है खाना बनाने में। अब देखिए दोस्तों हमने इसमें टमाटर डाल दिए। अब टमाटर डाल के हम इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे। दोस्तों सभी का बनाने का अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बनाए कोई कैसे बनाए, तो मैं जिस तरह से करता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ आज। अब दोस्तों इसके बाद हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी आप देख लेना अपने लिए, हल्दी डालना एक थोड़ी, इसमें हल्दी डाल दी। फिर इसमें डालेंगे मिर्च, मिर्च हरी मिर्च हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास हरी मिर्च है नहीं तो लाल मिर्च का प्रयोग करूँगा मैं, तो आप लाल मिर्च डाल दीजिए। ज़्यादा तीखी हो तो कम डालना, ये ज़्यादा तीखी है नहीं, तो थोड़ा धनिया पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा डालना है। थोड़ा गर्म मसाला कर देता हूँ, जो मैं डालता हूँ बताता हूँ आपको। ये करके हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया देखें। अब ये करने के बाद दोस्तों हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। अब जैसे इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसको हम हिलाएंगे। वीडियो के चक्कर में थोड़ा लग गया है ये, नहीं सही है सही है। देखो ये मेरा घोल तैयार है बिल्कुल। अब मेरा जो तड़का बोलते हैं वो बिल्कुल रेडी है, मैंने सब कुछ डाल दिया। हाँ दोस्तों लेकिन अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, काफी रहेगा इतना। चलो हम इसको मिला देते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हमारा काम है थोड़ा गैस को धीमा कर लेंगे, और जो हमने चावल भिगो के रख रखे हैं इनको अलग करके अब चावल को डालेंगे। हाँ दोस्तों तो देखिए हमने चावल तैयार कर लिए थे, अब हम इस चावल को डाल देंगे इसके अंदर। बिल्कुल अच्छी तरह से करके चावल को डाल देंगे। हाँ तो दोस्तों हमने इसमें चावल डाल दिया है और हमने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा पानी जो कुकर में सीटियाँ लगेंगी तो उससे निकल जाएगा, तो फिर ज़्यादा कम रहना नहीं चाहिए। तो आप अपने थोड़ा, आपको भी पता होगा कि कितना ठीक रहता है कितना नहीं। जब मैं कर सकता हूँ ये काम तो कोई भी कर सकता है। तो जैसे हमने कर लिया, मेरे हिसाब से थोड़ा पानी और बढ़ाना चाहिए हमें इसमें। हाँ बस अब ये पानी काफी है इसमें। अब देखिए मैंने गैस ज्यादा कम कर दी थी तो इस वजह से थोड़ा अब ये गर्म नहीं हो रहा, वरना अब इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने ये कर दिया, अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे कुकर को। तो हमने ये कुकर को अब बंद कर दिया। अब हमारा खाना तैयार हो जाएगा। कुछ सीटियों की बात है, लगभग 4-5 सीटियाँ, और वो तो अपने पानी पे डिपेंड करता है, कहीं पे 4-5 में काम चल जाता है, कहीं पे 6-7 लगवानी पड़ती हैं। पर कच्चे नहीं रहने चाहिए चावल, थोड़ी 1-2 सीटी ज़्यादा लग जाए, खाना अपने को ही है, बाहर के खाने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे खाना बनाते हैं, अपना नमकीन चावल कैसे बनाना है लॉकडाउन में, अपना घर पे बनाइए जैसा भी है अच्छा है, बाहर के खाने से तो बहुत अच्छा है। और लॉकडाउन में भूखे मत रहिए, कुछ भी बनाइए, चाहे नूडल्स बना के खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। आगे मैं आपको शायद मौका मिले तो आपको बताऊंगा कि कैसे मैगी बनाते हैं, मैगी नूडल्स कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं पहले 2 महीने पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ये मैंने अपने घर वालों से, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तब मैंने सीख लिया ये सब कुछ। कुछ ट्राई किया, कभी गलत हुआ कभी सही हुआ, तो अभी भी ऐसा ही कच्चा पक्का तो नहीं बोल सकते, अच्छा बोल सकते हैं, अपने लिए अच्छा है। हम जो बनाते हैं वो अपने लिए अच्छा होता है, वो खा सकते हैं। तो अब ये है, तो फिर उसके बाद जब मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा मैं आपको। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, 5-6 सीटियाँ हमने लगवा दी हैं इसमें। अब हम इसको उतार लेते हैं यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा खाना कैसा बना है। तो टेस्ट तो आप कर नहीं सकते यहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, जैसे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ी गैस हो गई, इसके अंदर गैस को हम रिमूव कर देंगे। जैसे गैस रिमूव हो गई यहाँ से, तो इसको ऐसे यहाँ से हम इसको देखो गर्मा गर्म हमारे, वाह देखो कितने, सिर्फ हमको इसको बनाने में 10 मिनट लगा है, और 10 मिनट में कितने अच्छे चावल हमारे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम इनको आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं देखने में। और एक के लिए खाना बनाना बहुत ईजी है, अपने लिए खाना स्वयं बनाइए, मैं जहाँ तक आपको बोलता हूँ। क्योंकि बाहर का खाना है उससे तो कहीं लाख गुना बेटर होता है हमारा घर का खुद का बनाया हुआ खाना। और इसमें बनाने में कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें है ना, जैसे आप ये चावल बनाते हैं इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गोभी या वो पुलाव बोलते हैं जिसको, वो पुलाव भी बना सकते हैं आप इसमें, वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपको जस्ट उसमें ऐड करना है जब इसको उबालते हैं तभी। तो दोस्तों ये, हाँ तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा पसंद आया, कितना पसंद आया, या अच्छा नहीं लगा, या अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप इस पे कमेंट कीजिए मैंने क्या गलती की इसमें, ताकि मैं सीख सकूं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले कि मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया था, जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बनाना सीख लिया है मैंने। तो इसमें कोई गलती हो तो हाँ, लेडीज स्पेशल, हाँ लेडीज को ज्यादा नॉलेज होती है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई गलती हो, इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो प्लीज मेरे को जरूर बताना। और ये मेरा खाना कैसा लगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसको अपने दोस्तों को भी भेजना, शेयर जरूर करना इसको, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे से और भी वीडियो लेके आऊं तो आप उनको सबसे पहले देख पाएं। तो बाय दोस्तों, बाय।